नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट जिले की लांजी जनपद अंतर्गत आने वाली नक्सल प्रभावित ग्राम पंचायत देवरबेली में 3 साल से ग्रामीण परिवार नल कनेक्शन लगने की राह ताक रहे हैं। दरअसल पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए जनपद पंचायत लांजी द्वारा ग्राम पंचायत देवरबेली को 15 लाख रूपये की राशि पेयजल व्यवस्था हेतु जारी की गई थी। इस योजना में ग्राम पंचायत देवरबेली के 4 मंजिले टोलों में पानी की टंकी के पक्के कालम नुमा स्टैंड बनाकर उस पर पीवीसी पानी की टंकी लगाकर और बोर करवाकर यहां घरों में नल कनेक्शन देना था। 3 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा 4 जगहों पर पक्के कॉलम खड़े करके पानी टंकी के लिए स्टैंड बना दिया गया और 15 लाख में से 7 लाख की राशि निकाल कर खर्च कर दी गई। अब प्लास्टिक की पानी टंकी में पानी भरने हेतु बोर और घरों में नल कनेक्शन देने के लिए पाइपलाइन लगाना शेष रह गया था, किंतु मूल्यांकन नहीं होने की वजह से बाकी की राशि ग्राम पंचायत नहीं निकाल पा रही है, जिसके कारण 3 साल बाद भी यहां की ये पेयजल योजना आज भी अधूरी पड़ी हुई है और ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। ग्राम पंचायत देवरबेली के वर्तमान सरपंच ने इस विषय में बताया कि पीएचई के उपयंत्री किए गए कार्य का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम बाकी की राशि निकालकर कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। दरअसल इस 15 लाख की ग्रामीण पेयजल योजना का एस्टीमेट 3 वर्ष पहले पीएचई लांजी के उपयंत्री ने बनाया था, इसलिए जनपद के उपयंत्री का कहना है कि मूल्यांकन भी वही करेंगे। इधर 3 वर्षों से पीएचई के उपयंत्री मूल्यांकन के लिए टालम टोली करते आ रहे हैं। वहीं जल जीवन मिशन से बनने वाली उच्च स्तरीय पेयजल योजना का काम भी ग्राम पंचायत देवरबेली में कश्चप गति से चल रहा था, जो वर्तमान में बंद पड़ा है। सरपंच साहब, ये जो अपनी ग्राम पंचायत देवरबेली है, इसके अंतर्गत टोली और अपने गांव में जो 4 स्टैंड बने हैं पानी टंकी के लिए, घरों में नल जल देने के लिए, क्या कारण है कि वो अधूरा पड़ा हुआ था, टंकी नहीं लग पाई है और नल कनेक्शन नहीं लग पाए? अधूरे इसलिए पड़ी है कि मूल्यांकन होगी तो मतलब उसके बाद राशि जमा होगी। अच्छा, वही कारण से रुकी हुई है। जब राशि मूल्यांकन होगा, राशि जमा होगी, उसके बाद में टंकी लगेंगी। तो जो संबंधित जो उपयंत्री वो मूल्यांकन क्यों नहीं कर रहा, क्या टाल मटोली कर रहा है? नहीं, उसको उपयंत्री को बोले हमने ये मूल्यांकन कर दो करके, वो कभी कर दूंगा बोलता है और कभी मतलब कराना नहीं पड़ता ऐसे भी बोलता है। तो जब तक कि नहीं होगी मूल्यांकन तब तक के राशि। कितने साल से बन के पड़ा वो स्टैंड? ये 3 साल करीब होने लगे। 3 साल हो गए, 3 साल से यही चल रहा है। कौन सा उपयंत्री ने बोला कि मूल्यांकन नहीं कराना पड़ता? उदय करके है, पीएचई से। अच्छा अच्छा,